ખેડા જિલ્લાના કપડવંજ તાલુકાના નિર્માલી સીમ વિસ્તારમાં મહિલા પર થયેલા ગેંગરેપના મામલે આજે કપડવંજ કોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે। વર્ષ 2018માં કપડવંજ તાલુકાની પરિણીતા મહિલા પર ત્રણેય સમયે ગેંગરેપ ગુજારી તેની હત્યા કરી હતી। આજે આ કેસ કપડવંજ સેશન્સ કોર્ટમાં ચાલી જતા ત્રણેય આરોપીઓને ફાંસીની સજા ફટકારવામાં આવી છે। સરકારી વકીલ મિનેશ પટેલે 26 લોકોની જુબાની અને 45 दस्तावेजी पुरावा रजू कर्या हता। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वीपी अग्रवाले आ मामले चुकादो आप्यो हतो। कपड़वंज कोर्टे दुष्कर्म हत्या केस में 4 वर्ष पछी आरोपीओ ने फांसी की सजा आपी। आरोपी नंबर 1 गोपी उर्फे बला भाई गिरीश भाई देवीपूंजक रहे जोरा में मोटी झेर तालुको कपड़वंज जिल्लो खेड़ा। आरोपी नंबर 2 जयंती भाई बबाभाई वादी रहे इंदिरा नगरी शिहोरा तालुको कपड़वंज जिल्लो खेड़ा। आरोपी नंबर 3 लाला भाई उर्फे कंकु डिपो रमेश भाई वादी रहे इंदिरा नगरी कोर्ट ने फांसी की सजा फटकारवामां आवी छे। बनावनी हकीकतनी बात करवामां आवे तो आरोपी नंबर 1 गोपी उर्फे बलाभाई गिरीशभाई देवीपूंजक अने आरोपी नंबर 2 जयंतीभाई बबाभाई वादी, आरोपी नंबर 3 लालाभाई उर्फे कंकु डिपो रमेशभाई वादी जेओना कपड़वंज में 28/10/2018 रोज 6:30 दरमियान कपड़वंजना मोटीझेर चौकड़ी थी निर्माली सीम सुधी मरण जनार परिणीता ने आरोपी जयंतीवादी और लाला भाई नाओए जयंतीना मोटरसाइकल पर मोटीझेर चौकड़ी थी बेसाड़ी अपहरण कर्युं हतुं। बाद में निर्माली सीम में लई जता मोटीझेर चौकड़ीए आरोपी गोपी उर्फे भलो जोई जता बूमो पाड़ी हती अने ऊभो न रहता आ समयगाळा दरमियान निमाली सीम में जयंतीभाई अंबालाल पटेलना खेतर नजीक आरोपी गोपी उर्फे भलो जतो रोडनी साइड पर बंने लोकोए मोटरसाइकल जोवा मळ्युं हतुं। आ मोटरसाइकल पासे लालाभाई उर्फे कंकु डिपो ऊभो हतो। गोपी त्यां पहोंच्यो हतो। नजीक में परिणीता पर बेहोश हालत में पड़ेली जोवा मळी हती। गोपी अन्य बे आरोपीओने पूछ्युं के आ शुं कर्युं तो जयंती अने लालाए कह्युं हतुं के अमे अमारुं काम पतावी दीधुं, तू तारुं काम पतावी दे, जो अमारा कहवा मुजब नहीं करे तो तेने मारी नाखीशुं तेम कही धमकी आपी हती अने गोपी ने परिणीता साथे दुष्कर्म गुजारवा मजबूर कर्यो हतो। आम त्रणेय आरोपीओए मरण जनार उपर सामूहिक बलात्कार गुजारी परिणीताने हत्या निपजावी हती। आरोपीओए पुरावानो नाश करवा माटे परिणीताना मोढा तेमज गळाना भागे साड़ी बांधी दई नग्न अवस्थामां खेतरमां फेंकी पण दीधी हती। आ अंगे कपड़वंज ग्राम्य पोलीसमां गुनो नोंधायो हतो अने गुना अंतर्गत अलग अलग कलमों अंतर्गत कोर्ट द्वारा दंड फटकारवामां आव्यो छे। कोर्ट द्वारा 2 लाख रुपया भोग बननार मरण जनारना वारसदारोने वळतर रूपे चूकवी आपवानो पण हुकम कर्यो छे। आम गोपी उर्फे भलाभाई गिरीशभाई देवीपूजक, जयंतीभाई बबाभाई वादी अने लालाभाई उर्फे कंकुडियो रमेशभाई वादी नाओने फांसीनी सजा फटकारवामां आवी छे। खेड़ा जिल्लानी कपड़वंज कोर्टनो ऐतिहासिक चुकादो। निर्माली सीम विस्तार में महिला पर थयेल गैंगरेपनो चुकादो आपता फांसीनी सजा फटकारवामां आवी। 2018 वर्ष में परिणीता पर 3 ઈસમોએ गैंगरेप गुजारी महिलानी हत्या करी हती जे अंतर्गत फांसीनी सजा फटकारवामां आवी। कपड़वंज सेशन कोर्टे त्रणेय आरोपीओने फांसीनी सजा फटकारी है। सरकारी वकील मिनेश पटेल द्वारा 26 लोगों की जुबानी और 45 दस्तावेजी पुरावा रजू कर्या हता जेने लईने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वीपी अग्रवाल द्वारा चुकादो आपवामां आव्यो छे अने त्रणेयने फांसी की सजा फटकारवामां आवी छे। भलाभाई देवीपूजक, जयंती बबाभाई वादी और लालाभाई रमेशभाई वादीनाओने नामदार कोर्टे इपीको कलम 201 और 114 के जे पुरावानो नाश करवो अने मददगारी करवानी कलम छे ते बंने गुनामां 3 वर्षनी सखत कैदनी सजा और ₹5000नो दंड फटकारेलो छे। जो दंड न भरे तो वधु 3 मास की सजा हुकम करेलो है। 366 गुना में 5 वर्ष की सखत कैद की सजा और ₹5000 दंड और दंड न भरे तो वधु 3 मास की सजा हुकम कर्यो है। त्यारबाद 376D बलात्कार गुना में आरोपी ने आजीवन कैद की सजा तथा ₹10,000 दंड और दंड न भरे तो वधु 6 मास की सजा हुकम कर्यो है। त्यारबाद 302 गुना में दरेक आरोपी ने नामदार कोर्टे फांसी एटले के मृत्युदंड हुकम आज रोज फरमायेलो है। तमाम आरोपी ने વોરંટ ભરી અને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાંથી મોકલી દીધા છે। આ કામે આ જે ઐતિહાસિક ફેસલો આપ્યો છે જે ત્રણેય આરોપીઓને ફાંસીની મૃત્યુદંડની જે સજા કરી છે એ સજા નામદાર કપડવંજ સેશન્સ કોર્ટના જજ શ્રી વીપી અગ્રવાલ સાહેબે સજા કરેલી છે। કુલ આરોપીઓને प्रत्येक आरोपीओने 30-30 हज़ार रुपया दंड तेमज आज भोग बननार छे जेनु बलात्कार बाद बलात्कार करी मृत्यु निपजायेलू ए परिवार ने विक्टिम कॉम्पन्सेशन स्कीम हेठळ 2 लाख रुपया चूकववानो पण सेशन जज श्री वीपी अग्रवाल साहेबे आज रोज हुकम करेलो छे। पार्वती सेशन्स कोर्टे ऐतिहासिक चुकादो आप्यो छे। कई बाबत ने लई मारू नाम मिनेश पटेल, हूँ कपड़वंज खाते मददनीश जिला सरकारी वकील तरीके फरज बजावूँ छूँ। आजनो जे चुकादो है चुकादानी टूकी हकीकत आपने जणावू तो तारीख 28-10-2018 रोज मोटी झेर चौकड़ी थी निर्माली सीम सुधी आरोपी जयंती भाई बाबा भाई वादी ने लाला भाई उर्फे कंकुड़ियो रमेश भाई वादी जे बने शिहोरा तालुको कपड़वंजना वतनी था तेओ बाइक लईने त्यांथी जता हता। ते वखते भोग बननारने लिफ्ट आपी त्यांथी बेसाड़ी अपहरण करीने लई गयेला। त्यारबाद निर्माली सीम में एक खेतर में तेने लई गया। त्या बंने आरोपी जयंतीभाई अने लालाभाईए तेनी साथे सामूहिक बलात्कार करेलो। त्यारबाद आरोपी नंबर 1 जे गोपी देवी पूजक है जे मोटी झेर तालुको कपड़वंजनो रहीश है ते त्यां आवेलो। आ बंने लोकोने त्यां मळेलो अने एने कह्युं के आज अमे जे बेनने लाव्या छो ए मारा सगा थाय छे। ए लोकोए एने पण जणाव्युं के तू पण आनी साथे संभोग कर एटले अने त्यां आनी साथे संभोग कर्यो। त्यारबाद त्रणेय जणाए आ बन साथे बलात्कार गैंगरेप कर्यो। त्यारबाद आ त्रणेय जणाए भेगा थई भोग बननारना गळा उपर पग मूक्यो तेमज तेने गळું दबाव्યું। भोग बननारने नग्न हालतमां करी अने एनी साडीથી भोग बननारનું गळું દબાવી એનું મોત નિપજાવ્યું। ભોગ बनનારના ગળા ઉપર અને છાતી ઉપર તેને આશરે બનાવ સ્થળ ઉપર खूब मोटा घेरावमां तेने घसडेली अने एनुं मोत निपजावेલું। एटले लगभग 40 थी वधु ईजाओ तेना शरीर पर आई थी तेमज गुप्त भागना भागे अने शरीरना अन्य भागे पण घणी मोटी ईजाओ जणायेली जे पीएम करना डॉक्टरश्रीए तेना पुरावामां नामदार कोर्टने जुबानी दरमियान जणावेली। आ कामे सरकारश्री तरफथी कुल 26 जेटला मौखिक पुरावा अने 46 थी वधु दस्तावेजी पुरावा रजू करेला जेनी अंदर डॉग स्क्वॉडनो पुरावो, मेडिकल एविडेंस, फॉरेन्सिक विभाग, डीएनए विभागना अधिकारी सहित नजरे 164 तपास करता अधिकारी निवेदनों देला तेवा अधिकारी।